फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से। आज हम मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी जरूर है पर श्योर क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। तो आइए प्रोसीड करते हैं। सोल्व करना है, तीन इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशन है, डिग्री वन वाली, तीन वेरिएबल में है, इनको सोल्व करना है। सॉल्यूशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज AX इज इक्वल टू बी। हम इस सिस्टम को, मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक एक एक रीजन के साथ एक एक स्टेप बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखकर बताऊंगा। हमको हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करने के लिए सारी स्टेप्स को बिल्कुल प्रॉपर वे में फॉलो करना चाहिए। आप करिएगा, देखिएगा, सीखिएगा। रिटन एज AX इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज द कोफिशियंट मैट्रिक्स, जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट होते हैं रो वाइज, वो होती है, उनसे जो बनती है उसको बोलते हैं कोफिशियंट मैट्रिक्स, एंड इज डिनोटेड बाय ए। तो एलिमेंट आएंगे 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1, -2, 1, 1, -2, 1, 3, -1, -2, 3, -1, -2। एक्स आपकी वेरिएबल वाली मैट्रिक्स होती है, कॉलम वाइज लिखे जाते हैं एक्स वाई जेड। बी आपकी कोफिशियंट मैट्रिक्स होती है, जो कॉन्स्टेंट्स यहां पर आते हैं इक्वल टू के राइट साइड में, उनसे मैट्रिक्स बनती है और इसको लिखा जाता है कॉलम वाइज। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं। उस वर्ड को बोलते हैं कंसिस्टेंसी चेक करना, वेदर दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। उसके लिए हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट बिल्कुल ऊपर लिखा होता है हम उस पर लगाते हैं प्लस साइन, अल्टरनेट प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, देखिए माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस आता जाएगा। ये जो साइन है ये सिर्फ एक्सपेंशन के वक्त यूज किए जाते हैं, उन एलिमेंट्स के साथ यूज किए जाते हैं जिसके अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है तो आप 2 का साइन लेंगे प्लस, 3 का साइन लेंगे माइनस, 3 का साइन लेंगे यहां पर प्लस। लेकिन अगर आप थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 3 का अपना साइन पॉजिटिव था, पॉजिटिव 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 लेंगे, 1 के पास निगेटिव साइन ऑलरेडी था और रूल से साइन आ रहा है माइनस, तो आप 1 का साइन लेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 का साइन माइनस प्लस माइनस लेंगे। फिलहाल मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन वी गेट। पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करने पर आपको क्या मिलेगा, आप लिखेंगे 2। एक्सपेंड करते हुए हमें क्या ध्यान रखना होता है, पहला एलिमेंट आप उसको हाइड कर देंगे कॉलम में भी रो में भी, और जो आपको दिखेगा बचा हुआ आपने वो लिखना है -2, -1, 1, -2। इसके बाद आएगा -3, 3 वाली रो 3 वाला कॉलम दोनों आपने हाइड कर दिया, 1, 1, 3, -2। आप 2 के साथ साइन चेंज नहीं करेंगे, 1 के साथ साइन चेंज नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक्सपेंशन वाले एलिमेंट्स के साथ आएगा, बाकी कहीं पर भी नहीं आएगा। -3 हो गया, अब आपका बचा प्लस का 3, 3 का आपने कॉलम हाइड किया रो हाइड कर दी, बच गया 1, -2, 3, -1, 1, -2, 3, -1। यहां पर आपको दोनों एलिमेंट्स को डायगनली मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस पुट करना है, तो आपको मिलेगा
माइनस टू माइनस टू फोर, बीच में आना है माइनस, वन माइनस वन माइनस वन, खुद माइनस है तो प्लस का वन, माइनस थ्री, माइनस टू माइनस माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का थ्री, वन को माइनस टू से इंटू किया माइनस टू, ये माइनस है रूल का, थ्री वन जा थ्री, तो आप लिखेंगे यहां पर माइनस थ्री मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस थ्री, वन माइनस वन माइनस वन, बीच में माइनस, थ्री टू जा सिक्स, माइनस का माइनस पहले से है रूल का, तो ये हो गया प्लस का सिक्स। गलती होने का चांस सबसे ज्यादा यहीं पर होता है प्लस माइनस, और आगे हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे वहां पर, ये दो स्टेप ध्यान से करनी होती है, उसके बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। फोर और वन फाइव, फाइव टू जा टेन, थ्री टू फाइव, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, प्लस थ्री, सिक्स में से वन गया फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन फिफ्टीन थर्टी और टेन फोर्टी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, हमने यही चेक करना था, यहां से कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन जीरो हो, ठीक है, हमारा तो आ गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए वन वन। ए वन वन क्या होता है, ये होता है कोफैक्टर एलिमेंट का, टू फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये वाला वन, सेकेंड रो में थर्ड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो हम पहले रो बोलते हैं ए टू थ्री, ए टू थ्री हमारा है वन। हम हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंगली उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, आप लिखेंगे ए वन वन माइनस वन की पावर रो का नंबर और कॉलम का नंबर वन प्लस वन, और बाकी सिस्टम पुराना वाला, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हाइड, जो बच गया लिख दीजिए माइनस टू वन माइनस वन माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, माइनस वन की पावर इवन है तो ये तो प्लस आएगा, माइनस टू प्लस का फोर, बीच में माइनस, माइनस वन वन माइनस वन, तो बन गया प्लस वन, आपको मिलता है फाइव। इसके बाद आपने फाइंड करना है ए वन टू, वन टू मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला वन प्लस टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बच गया वन वन थ्री माइनस टू, वन वन थ्री माइनस टू, माइनस वन की पावर यहां पर है ये वन प्लस टू थ्री, माइनस वन की पावर ओड तो माइनस आएगा, माइनस टू माइनस थ्री, यहां से मिला माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस, प्लस का फाइव। अब आप फाइंड करेंगे ए वन थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दोनों हाइड हो गए हैं, वन माइनस टू थ्री माइनस वन, वन माइनस टू थ्री माइनस वन, माइनस वन की पावर इवन प्लस हो गया माइनस वन, बीच में माइनस रूल का थ्री टू जा सिक्स माइनस का, लेकिन रूल को माइनस पहले से बैठा हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सिक्स, तो माइनस वन प्लस सिक्स आपको मिल जाता है फाइव। अब आप फाइंड करेंगे ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस वन की पावर टू प्लस वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थ्री थ्री माइनस वन माइनस टू, थ्री थ्री माइनस वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थ्री थ्री माइनस वन माइनस टू, माइनस वन की पावर ऑड माइनस आएगा, थ्री टू जा सिक्स माइनस का, माइनस रूल का, थ्री वन जा थ्री माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिलेगा माइनस थ्री, बाहर माइनस है प्लस का थ्री।
अब आप फाइंड करेंगे ए टू टू माइनस वन की पावर टू प्लस टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू थ्री थ्री माइनस टू, टू थ्री थ्री माइनस टू, माइनस वन की पावर इवन प्लस हो जाएगा, माइनस फोर माइनस नाइन माइनस के थर्टीन। अब आप इसके बाद फाइंड करेंगे ए टू थ्री माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री, सेकेंड रो थर्ड कॉलम टू थ्री थ्री माइनस वन, टू थ्री थ्री माइनस वन, माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री फाइव, ओड है, ओड आने पर यहां पर माइनस आ जाएगा, टू वन जा टू माइनस का टू माइनस का थ्री, थ्री जा नाइन माइनस का नाइन, माइनस नाइन माइनस टू माइनस इलेवन, बाहर माइनस है ही प्लस का इलेवन। अब आप फाइंड करेंगे ए थ्री वन माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थ्री थ्री माइनस टू वन, थ्री थ्री माइनस टू वन, माइनस वन की पावर इवन प्लस हो जाएगा, थ्री थ्री टू जा सिक्स, माइनस माइनस यहां से आएगा, प्लस सिक्स इज इक्वल टू नाइन, आपका नाइन आएगा। इसके बाद आप फाइंड करेंगे ए थ्री टू माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू, थर्ड रो सेकंड कॉलम टू थ्री वन वन, टू थ्री वन वन, माइनस वन की पावर ओड माइनस आ गया, टू माइनस थ्री टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन, बाहर माइनस है प्लस का वन। इसके बाद आप फाइंड करेंगे ए थ्री थ्री माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम टू थ्री वन माइनस टू, टू थ्री वन माइनस टू, माइनस वन की पावर इवन प्लस आएगा, माइनस का फोर माइनस का थ्री। ये आपको मिल जाता है माइनस का सेवन। इस तरीके से आपने सभी एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होता है व्हेन ईच एलिमेंट इन द मैट्रिक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर। हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, और इस पूरी मैट्रिक्स का आप ले लीजिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या मीनिंग होता है? जब किसी रो को कॉलम वाइज लिख दिया जाए, इस रो को वर्टिकल, इस वाली रो को वर्टिकल, थर्ड रो को वर्टिकल, व्हेन रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स देन वी गेट ट्रांसपोज। तो यहां पर लिख देते हैं सभी एलिमेंट्स को ए वन वन से लेकर फाइव फाइव फाइव। थ्री माइनस थर्टीन इलेवन, नाइन वन माइनस सेवन का ट्रांसपोज। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिलेगा वो मिलेगा फाइव, रो का कॉलम बना दीजिए, थ्री टाइम्स फाइव थ्री माइनस थर्टीन इलेवन, नाइन वन माइनस सेवन। एडजॉइंट मिलने के बाद हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास थी 40, तो आप लिखेंगे 1 बाय 40, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप यहां से देख सकते हैं हम फाइंड कर चुके थे 40। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए आप, 5 3 9, 5 5 माइनस 13 1, 11 माइनस 7। ये 40 अंदर अभी हमने डिवाइड नहीं करना है, हम इसको बिल्कुल लास्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब रेशनल नंबर की कैलकुलेशन होती है उसमें एडिशन वगैरह थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो दिस इज आर ए इनवर्स। यहां तक हमारा काफी क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। अब हमने फाइंड करना है एक्स की वैल्यू।
मीन्स एक्स वाई जेड निकालने हैं। हमारे पास इक्वेशन थी ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हमको यहां से मिलता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमें सिर्फ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और हमारा आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम निकालते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स कौन है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। ए इनवर्स 1/40 और ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया था। बी मल्टीप्लीकेशन करते वक्त हमको क्या ध्यान रखना होता है, हमको क्लॉकवाइज एक रोटेशन याद रखनी होती है, क्लॉकवाइज ऐसे जैसे घड़ी घूमती है। फर्स्ट एलिमेंट हमने सुपर इम्पोज करना है, रख देना है इसके ऊपर, सेकंड सेकंड पर, थर्ड थर्ड पर और बीच में आएगा प्लस का साइन। फिर सेकंड रो पर सेम, थर्ड रो पर सेम और हम लिखते चले जाएंगे, हमारा आंसर आएगा। ये रूल है मल्टीप्लीकेशन का। 1/40, 5 5 25, 3 4 12, 9 3 27 प्लस 27, 5 5 25, 13 4 52, माइनस माइनस प्लस हो चुका है 52, 1 3 3 प्लस 3, 5 5 25, 11 4 44, माइनस का पर 7 3 21, माइनस का माइनस 21। तो आपको ये सारा मिल जाता है 1/40, 27 में से 12 गए 15, 15 और 25 40, 52 और 3 55, 60 70 80, 44, 25 में से 21 चले जाएं, आपके पास बचते हैं केवल 4, 4 प्लस के माइनस 44, 40 निगेटिव माइनस 40 एंड यू हैव टू डिवाइड नाउ बाय 40 एंड यू विल गेट 1 2 -1। अब आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेरिजन यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू -1 एंड दैट विल बी योर आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।